अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? लोग ठीक है सारे? ठीक है। अच्छा बच्चों, सब्जेक्ट जो हमने यहाँ पर पढ़ना है वो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, बुक्स है आप लोगों के पास? यस, बुक्स आ निकाल लें, आप उठा लें। जो जो चीजें बताता है चाहूंगा अगर साथ साथ आप लोगों ने नोट कर, ठीक है? कुछ चीजें तो बोर्ड पे आपकी रिटर्न हो जाएंगी, लेकिन सारी चीजें आपको बोर्ड पे रिटर्न नहीं होती, तो वो साथ साथ बोलता जाऊंगा, तो उसको आपने साथ साथ नोट कर रहे हैं ताकि आप लोगों के जो कंसेप्ट है वो 100% क्लियर हो सके। अच्छा बच्चों, आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम बेसिक्स पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग की। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग होती है, आप लोगों का जो बैकग्राउंड है, किसी का साइंस के साथ होगा, किसी का आर्ट्स के साथ होगा मैट्रिक, ये एक कॉमर्स की फील्ड है आपकी, आप लोगों के लिए बिल्कुल न्यू फील्ड है, इसीलिए बिल्कुल इनिशियल बेसिक से स्टार्ट हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा। बेसिक कंसेप्ट अगर आप लोगों के क्लियर हो जाते हैं तो इंशाल्लाह ये पूरी बुक आप लोगों के लिए इंतहाई इजी बुक हो जाएगी, कि आप लोग कहेंगे कि इससे अच्छा और इससे आसान सब्जेक्ट है ही कोई नहीं। आपका सब्जेक्ट है जी आपका प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। अच्छा, कुछ बच्चे आज न्यू बैठे हुए हैं बिल्कुल, इस वजह से आप बिल्कुल स्टार्ट करेंगे, ठीक है? जो तो आता है वो तो पहले कह चुके हैं सर, तकरीबन हमारे माइंड में तो ये ऐसे फिक्स हो चुके हैं कि हम बस आप इसको छोड़ें और आगे चलें, लेकिन कुछ नए बच्चे हैं जिनकी वजह से ये चीजें करनी पड़ेगी, ठीक है? तो आप लोग ये जो हमें प्रिविलियन दे दिया, ठीक है ना? प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, सब्जेक्ट का क्या नाम है जी आपका? अकाउंटिंग। क्या नाम है आपके सब्जेक्ट का? अकाउंटिंग। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि ये आपका वो सब्जेक्ट है कि जब तक आप लोग इस फील्ड में रहेंगे, चाहे आप लोग बीबीए करें, सीए करें, एसएससीए करें, एमबीए करें, एमकॉम करें, ये कंपनी का आपके साथ साथ चलती रहेगी, बाकी सब्जेक्ट साथ साथ चेंज होते रहेंगे आप, ठीक है? लेकिन अकाउंटिंग आपके अगर यहाँ पर कंसेप्ट अच्छे क्लियर हो जाते हैं तो थ्रू आउट आपके ये काम है, आपकी पूरे स्टडी कैरियर, ठीक है ना? देखें, सामने एक वर्ड लिखा हुआ है अकाउंटिंग, ठीक हो गया? जिन लोगों ने पढ़ ली है वो भी एक बार फिर इसको सुन ले ताकि ये चीज और पक्की उनके माइंड में बैठ जाए, ठीक है? क्योंकि इसके अलावा अकाउंटिंग है ही और कुछ नहीं, यकीन माने कि आप अभी पूरी बुक पढ़ेंगे ना, जब हर जगह पर आपको ये चीजें बार बार रिपीट हो रही होंगी, जो भी दोबारा आप रिपीट कर रही है, तो आप इसका एडवांटेज ही है, डिसएडवांटेज कोई भी नहीं। दर्ज क्या लिखा हुआ जी? अकाउंटिंग एक वर्ड है, एक अल्फाज है, कोई भी लफ्ज होते हैं उसका कोई ना कोई मीनिंग होगा। अब कभी ऐसा आप लोगों ने सुना है कि मैं कोई भी एक वर्ड आपके सामने रख दूं, ना उसका आपको मीनिंग पता हो, ना उसकी डेफिनेशन पता हो, और मैं कहूं कि इसको एक्सप्लेन करो, तो आप कर पाओगे एक्सप्लेन उसको? कभी भी नहीं करता। तो हमेशा याद रखें, जब भी किसी चीज को अल्फाज को एक्सप्लेन करना होता है तो सबसे पहले उसकी मीनिंग का पता होना जरूरी है, देन उसकी डेफिनेशन का पता होना जरूरी है, देन हम जाकर उसको एक्सप्लेन कर सकते, ठीक है? अकाउंटिंग की मीनिंग क्या होनी चाहिए आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से? फिल्में बन रही है, गाने गाए जा रहे हैं, नाते पढ़ी जा रही हैं, ठीक है? क्या ये सारी चीजें आपकी अकाउंटिंग है? नहीं, मतलब कि हर चीज की रिकॉर्डिंग का नाम भी अकाउंटिंग नहीं है। इस कंसेप्ट को समझने से पहले आपको एक चीज का पता होना जरूरी है,
कि अकाउंटिंग का जो यूज है वो किधर है जी आपका? बिजनेस में। अकाउंटिंग आप किधर यूज कर रहे होते हैं? बिजनेस में। क्यों? ताकि हमें पता चल सके जो हम काम कर रहे हैं उसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। ठीक है, अकाउंटिंग की मीनिंग रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग का यूज क्यों? ताकि पता चल सके जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। मतलब बिजनेस के अलावा अकाउंटिंग का कहीं और यूज है? नहीं है। अकाउंटिंग का यूज सिर्फ और सिर्फ किधर है? आपके बिजनेस में। प्रॉफिट एंड लॉस बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन फाइल करते हैं। मीनिंग क्या है ये अकाउंटिंग का? हर चीज की रिकॉर्डिंग नहीं, क्योंकि इसका यूज बिजनेस में है। तो जो भी आपकी बिजनेस में ट्रांजेक्शन हो रही है, जो भी आपकी बिजनेस में ट्रांजेक्शन किसको कहा जाता है? लेन देन। बिजनेस आपका क्या आ गया? कारोबार। जो भी आपके कारोबार में इन आउट हो रही है, लेन देन हो रहा है, कुछ चीज आ रही है जा रही है, ठीक है, उस चीज को प्रॉपर रूल्स के तहत रिकॉर्ड करने का नाम क्या है? अकाउंटिंग। ठीक हो गया जी। मीनिंग रिकॉर्डिंग किसकी? बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होती है जी? एनी बिजनेस डीलिंग बिटवीन टू और मोर पर्सन। कोई भी बिजनेस डीलिंग जो आपकी दो या दो से ज्यादा लोगों के दरमियान हो रही है, कारोबारी लेन देन जो भी हो रहा है, उस चीज को क्या नाम देते हैं? बिजनेस। इसको रिकॉर्ड करने का नाम कंपनी है। ठीक है, अब आप लोगों के माइंड में होगा कि कारोबार में तो थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स हैं जिनकी ट्रांजेक्शन हो रही है, इतनी ज्यादा चीजें माइंड में रखनी पड़ेंगी, इस चीज की तरफ से आप लोग टेंशन ना लें। बेसिकली जो आपकी बिजनेस ट्रांजेक्शन है उसको फोर कैटेगरीज में क्लासिफाइड कर दिया। एक कह दिया गया है एसेट्स, एक को कह दिया गया है लायबिलिटीज, एक को कह दिया गया है एक्सपेंस, और एक को कह दिया गया है यानी आप कि बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन हो रही होती है वो इन चार चीजों के होती है। ठीक है, तो मतलब मैं यूं भी कह सकता हूं इन चार चीजों को रिकॉर्ड करने का नाम क्या है? अकाउंटिंग। ये लफ्ज यूज हो सकता है कि नहीं हो सकता? जब ये यूज हो सकता है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का नाम अकाउंटिंग है, तो बिजनेस ट्रांजेक्शन कितनी चीजों पर है? चार चीजों पर। इन चार चीजों को रिकॉर्ड करने का नाम ये अकाउंटिंग हम कह सकते हैं। अब आप लोग मैट्रिक तक आप लोगों ने हो सकते हैं कि ये नाम भी ना सुने, उसमें शायद कुछ नाम सुने भी हो, लेकिन मैक्सिमम आप लोगों ने सुने। ठीक है, तो अभी आप लोगों को यहां पर मैं वन बाय वन हर चीज के बारे में बताता हूं कि आपके एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है, एक्सपेंसेस क्या है और इनकम क्या है। ये चार चीजें हैं जिसके ऊपर आपकी पूरी अकाउंटिंग चल रही है, पूरा बिजनेस आपका चल रहा होता है, तो प्रॉपर वे में इन चार चीजों का पता होना आप लोगों को जरूरी है। ठीक है, क्योंकि यही चार चीजें आपकी थ्रू आउट आपके साथ चलेंगी, कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा आपका जिसमें आप इन चार चीजों को डिस्कस ना कर रहे। एसेट्स क्या होते हैं जी? एसेट किसको कहा जाता है? अगर मैं इसको डिफाइन कर दूं तो क्या कह सकता हूं मैं इसको? एनी वैल्यूएबल या रिसीवेबल थिंग्स इन बिजनेस। अच्छा, जो इसमें आप लोगों को मैं डेफिनेशंस दे रहा हूं ना, ये लिख रहा हूं छोटे छोटे पानी के आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि यार एसेट है क्या चीज है। ठीक है ना, एसेट क्या है आपका?
एनी वैल्यूएबल, कोई भी वैल्यू रखने वाली या रिसीवेबल चीजें जो आपकी बिजनेस में होती है वो आपके बिजनेस के लिए क्या है, ऐसे है। जैसे ये फॉर एग्जाम्पल क्लास रूम में हमारा एक बिजनेस है, ये बोर्ड है, ये वैल्यू रख रहा है कि नहीं रख रहा है, ऐसे ये चेयर पड़ी हुई है वैल्यू रख रही है कि नहीं रख रही, फैन है ऊपर वैल्यू रख रहा है कि नहीं रख रहा, डोर है वैल्यू रख रहा है कि नहीं रख रहा। मतलब बिजनेस में हर वैल्यू रखने वाली चीज क्या है, ऐसे। और साथ दूसरी चीज क्या लिखी हुई है, फॉर एग्जाम्पल हम किसी को लोन देते हैं, हम से मुराद बिजनेस, मैं यहाँ पर जो भी बात करूंगा वो अपने आप को बिजनेस कंसीडर समझ के बात करूंगा, क्योंकि हमें अकाउंटिंग पढ़नी है और अकाउंटिंग का यूज किधर है आपका, डायरेक्टली बिजनेस में, बिजनेस के अलावा अकाउंटिंग का कहीं और यूज है नहीं है। तो हमने अपने आप को क्या ध्यान में रखना है कि हम बिजनेस कंसीडर करके सारी बात कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस किसी को लोन देते हैं, ठीक है, ये किसी को क्रेडिट पे उधार की चीज बेचता है, ठीक है, तो कल उससे उसने पैसा लेना होगा कि नहीं लेना होगा, लेना होगा। यानी जिन लोगों ने हमारा पैसा भी देना होगा ना वो भी मान लीजिए क्या है, एसेट्स, ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाती है आपकी लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या होंगी, एनी पेबल थिंग्स, पेएबल, ये क्या है, ये वैल्यूएबल और रिसीवेबल, और ये क्या है आपका पेएबल। लायबिलिटी कहा किसको जाता है, जिम्मेदारी को, किसको कहा जाता है, और इसकी डेफिनेशन क्या हमें क्या कह रही है, एनी पेएबल थिंग्स। पेएबल का क्या मतलब है कि जो हमने किसी को अदा कर दिया, फॉर एग्जाम्पल हम बिजनेस है, हमने किसी से लोन लिया, किसी से क्या लिया जी, कल उसको रिटर्न करना है कि नहीं करना, वो लोन हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल किसी से हमने क्रेडिट पे उधार की चीज परचेज की है, तो कल उसको पैसा देना होगा कि नहीं देना होगा, देना होगा, वो हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी। इसी तरह और भी डिफरेंट चीजें हैं जो हम साथ साथ आगे पढ़ते रहे। नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास एक्सपेंस। एक्सपेंस किसको कहा जाता है, खर्चा, किसको कहा जाता है जी, अखराजात, खर्चों को, जो खर्चे हो रहे होते हैं आपके बिजनेस में। अब खर्चे का लफ्ज जो है अच्छा लगता है, जानती लफ्ज आता है बंदा मुंह बना लेते हो यार बड़े खर्चे हो गए, बड़े एक्सपेंसेस हो गए, हैं जी। लेकिन बिजनेस में देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, एनी कॉस्ट पेड फॉर द बेनिफिट ऑफ बिजनेस, कोई भी कास्ट जो हम पेड करते हैं बिजनेस के बेनिफिट के, बिजनेस के फायदे के लिए, जो लागत अदा की जाती है वो चीज तक लगती है एक्सपेंस के लिए। अब देखें वैसे खर्चे का लाभ हमें बुरा लग रहा होता है जी, यही बात है। लेकिन इसकी डेफिनेशन बिजनेस में क्या है, कोई भी कास्ट जो हम पेड करते हैं बिजनेस के आपको बचत हो जाएगी, खर्चात नहीं होंगे, क्या जो आपका एम्प्लाई बैठे हुए वहां पर काम कर रहा है उसको बेनिफिट मिल रहा होगा, उसको ना कूलिंग आ रही होगी ना उसको लाइटिंग आ रही होगी, तो जिसकी वजह से वो प्रॉपर आपको काम करके नहीं दे सकता। चलिए फॉर एग्जांपल एक वो जनरल एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है मल्टी गार्डन से आ रहा है, ठीक है जी, वहां से यहाँ तक तकरीबन 20 किलोमीटर का आई थिंक डिफरेंस है, वो पैदल आया, उसकी कोई कास्ट लगेगी, कोई खर्चा होगा उसका, कोई भी नहीं होगा, पैदल आ रहे हो, हाँ अगर वो गाड़ी पे आता है या बाइक पे आता है उसका एक्सपेंस होगा कि नहीं होगा, लेकिन उसको उसमें बेनिफिट भी हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा, यानी पैदल आने में और बाइक पे या गाड़ी में आने में दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है, पैदल आने में आपकी कास्ट नहीं है लेकिन आपको बेनिफिट भी नहीं है, जब आपकी कास्ट लगी तो आपको उसके मुताबिक उसके मुताबिक क्या हुआ, बेनिफिट भी
तो एक्सपेंस जो भी होंगे जब भी होंगे तो बिजनेस के फायदे के लिए। लास्ट थिंग है आपकी इनकम। इनकम क्या होती है? अमाउंट अर्न, आमदनी जिसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमाउंट अर्न। क्या लाभ जुड़ गया? अमाउंट अर्न जो कमाता है बिजनेस, जो आपका बिजनेस पैसा कमा रहा होगा वो आपके लिए क्या होगी? इनकम। अब कोई बंदा आपको गिफ्ट दे देता है, डोनेशन कर देता है, कोई चैरिटी दे देता है, कोई और चीज दे देता है, वो आपकी इनकम नहीं है। इनकम वो है कि जो आप बिजनेस कर रहे हैं और उधर से जो आप अर्न कर रहे हैं, कमा रहे हैं अपने बिजनेस से, वो आपके लिए क्या होगी? इनकम। इनकम को रेवेन्यू का लफ्ज भी आप यूज कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? ये बेसिक चीजें हैं जहां से आपकी अकाउंटिंग का स्टार्ट हुई है, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अभी ये आपका सारा मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग चल रहा है। आज हम अपना लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं, कल सेमेस्टर आगे कंटिन्यू। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे ने कोई भी क्वेश्चन करना हो स्टूडेंट्स आप लोग पूछ सकते हैं, और जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट में कमेंट करके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।